हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में बारिश का कहर, सात की मौत, लाहौल स्पीति में 200 लोग फंसे, 6 NH समेत 800 सड़कें बंद। हिमाचल में बारिश के चलते 10 व 11 जुलाई को प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रहेगा अवकाश। हिमाचल सीएम की अधिकारियों को दो टुक, पावर प्रोजेक्ट का समय पर पूरा करें निर्माण, फंक्शनल न होने से हो रहा राजस्व घाटा। लार्जी प्रोजेक्ट के पावर हाउस में घुसा पानी, कर्मचारियों में हड़कंप, बिजली उत्पादन रोका। सांसद सुरेश कश्यप बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में बतौर सदस्य तैनात, जेपी नड्डा ने की नियुक्ति। तांगलिंग खड्ड में गिरने से चंडीगढ़ के पर्यटक की मौत, पांव फिसलने से पेश आया हादसा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 35 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, लैंडस्लाइड व फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल और 3 लापता बताए जा रहे हैं। कोटगढ़ की मधामनी पंचायत के पानेवली गांव में मकान पर मलबा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और 2 घायल हो गए। वहीं कुल्लू में महिला, चंबा व कांगड़ा में एक एक व्यक्ति तथा शिमला में युवती की मौत हो गई। प्रदेश भर में भारी बारिश से 6 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 10 और 11 जुलाई को अवकाश की घोषणा की है। सीएम की ओर से जारी प्रेस बयान में यह जानकारी दी गई। निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में बारिश के चलते खासा नुकसान हुआ है और नदी नाले उफान पर हैं। अधिकांश सड़कें टूट गई हैं और कई पुल भी बह गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की समीक्षा बैठक में कहा कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हिमाचल में कई पावर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें 4-5 साल पहले तक पूरा करना था, लेकिन आज भी फंक्शनल नहीं हो पाए। इस पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को ऐसे प्रोजेक्ट नियमित निगरानी करके समय पर पूरा करने की हिदायत दी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। व्यास नदी में उफान के बाद 126 मेगावाट क्षमता की लार्जी बिजली परियोजना के पावर हाउस में पानी घुस गया है। इससे प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लार्जी प्रोजेक्ट में ब्लैकआउट हो गया है, सुरक्षा कारणों से प्रोजेक्ट में बिजली काट दी गई है। सूचना के मुताबिक व्यास नदी में पानी के बहाव को रोकने के लिए लार्जी के गेट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची बैरिगेटिंग की गई थी, मगर बाढ़ का पानी इसे तोड़ते हुए पावर हाउस के अंदर घुस गया। इसके बाद प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। चिंता इस बात को लेकर है कि बोर्ड प्रबंधन का लार्जी में काम करने वाला अधिकारियों से फोन पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के लिए सुरेश कश्यप ने बीजेपी के समस्त नेतृत्व का धन्यवाद किया है। सुरेश कश्यप ने अपना राजनीतिक सफर एक मंडल महामंत्री के रूप में प्रारंभ किया। उसके उपरांत अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। कश्यप अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे और इसके उपरांत अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सुरेश कश्यप प्रदेश अध्यक्ष बने और बीजेपी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। अब उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हुई है। जिला किन्नौर के तांगलिंग में शनिवार देर शाम घूमने आए एक पर्यटक की तांगलिंग खड्ड में गिरने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान कबीर सिंघानिया पुत्र राम प्रसाद सिंघानिया निवासी सेक्टर 38 पश्चिम डेढ़ू मजार कॉलोनी मकान नंबर 91 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। बीर सिंघानिया अपने एक दोस्त के साथ किन्नौर घूमने आए थे। इस दौरान शनिवार शाम वह दोस्त के साथ तांगलिंग खड्ड के पास से गुजर रहे थे। इसी बीच अचानक कबीर का पांव फिसल गया और वह खड्ड में गिर गया। बारिश के कारण खड्ड में जलस्तर बढ़ने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सके और डूब गए। कबीर को पानी में डूबता देख दोस्त ने शोर मचाया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।